तो कैसे हो? सभी लोग बहुत परेशान हो गए कि भैया हैंडल बैलेंस नहीं हो रहा है, गाड़ी सीधी चल ही नहीं रही है, कभी गाड़ी ऐसे चले जाती है, कभी गाड़ी ऐसे चले जाती है, हैंडल भाई इधर ही उधर भगता है, सीधा सीधा हैंडल तो जाता ही नहीं है हमारा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट तरीका। सबसे पहले क्या करना है, मॉर्निंग या तो इवनिंग तो छोड़ दो, मॉर्निंग का सुबह का टाइम पकड़ लो और अपने नज़दीकी हाईवे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर रोड मिलेगी आपको चौड़ी। तो हाईवे में रोड तो चौड़ी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सावधानी भी रखना पड़ता है। अब उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी सावधानी रखना है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, देखो कि आपका तरीका क्या है। जैसे आप सुबह सुबह आ जाएंगे यहाँ पर अपने हाईवे में, तो आप हाईवे में देखेंगे कि भाई कॉर्नर यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आपको या तो येलो पट्टी या तो वाइट पट्टी मिल जाती है। तो आपको करना क्या है, अपनी गाड़ी को लेके आ जाना है अपनी येलो पट्टी के इस पार। हैंडल बैलेंसिंग बनाते टाइम, चलाते टाइम तो आपको जैसे वो भाई जा रहा है उस तरफ से चलाते वैसे ही जाना है। इसके लिए भी अलग वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को लेके आ जाना है मॉर्निंग में सुबह सुबह हाईवे। अब हम पकड़ेंगे अपनी पीली पट्टी, और पीली पट्टी पे हमें गाड़ी चलाना है, मतलब पीली पट्टी के ऊपर गाड़ी नहीं चलाना है, इसके ऊपर गाड़ी चलाना बेवकूफ़ी रहती है। यहाँ पर हमें पीली पट्टी के ऊपर गाड़ी नहीं चलाना है, यहाँ पर टायर स्लिप मारता है, याद रखना, ठीक है, पेंट के ऊपर। तो आपको अपनी गाड़ी चलाना है यहाँ पर ऐसा। अब हमारा फोकस होना चाहिए रोड पे, जस्ट लाइक ये, और साथ में हमें कोशिश ये करना है कि हमारा हैंडल पीली पट्टी के उस पार ना जाए, अभी ना जाए, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं बैलेंस। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ होगा कि अपनी गाड़ी जैसे थोड़ी दूर ऐसे चलेगी और आपका ध्यान भी नहीं रहेगा और आपकी गाड़ी पीली पट्टी के इस तरफ आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, फिर से अपनी गाड़ी को इस तरफ ले आना है, फिर थोड़ा देर आप चलाएंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि अपनी गाड़ी थोड़ी सी हम ज़्यादा यहाँ ले आए हैं इस तरफ, तो फिर आपको सुधार लेना, अपनी गाड़ी को यहाँ ले आना है। फिर आप गाड़ी चलाएंगे, फिर आपको थोड़ी देर के बाद ऐसा समझ में आएगा कि आपकी गाड़ी फिर इधर आ गई, यार हम तो परेशान हो गए। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो बाइक खड़ी है, तो भाई अब आपको जाना है इस तरफ, उसको उड़ा के नहीं आना है, ठीक है, फिर यहाँ पर ले आए। अब ऐसा करते करते क्या होगा, आपका कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली माइंड में दोनों जगह ये बैठ जाएगी कि आपको गाड़ी चलाना है। शुरू दिन होगा, एक दो दिन होगा कि आप भाई पीली पट्टी के इसी तरफ आएंगे, लेकिन भाई दो तीन दिन की प्रैक्टिस के बाद आपकी ये हैबिट क्या हो जाएगी पता है, कि आप स्ट्रेट भाई पीली पट्टी के उसी तरफ गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। आपका बैलेंस इतना अच्छा बन जाएगा हैंडल का कि आपका हैंडल भाई सीधा सीधा ऐसा भी आप चलाएंगे और अपनी पीली पट्टी को भी ध्यान देंगे कि पीली पट्टी साइड से चल रही है, आप यहाँ से चल रहे हो, आपकी गाड़ी उस तरफ जब जाएगी, जब आप खुद से लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ कांटे वगैरह हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ ले आया, फिर मैं यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे झाड़ियाँ हैं तो मैं फिर आ गया। तो ऐसा आप करते रहेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या, हैंडल बैलेंसिंग के टाइम कि आपके जो हाथ हैं इसकी पोजीशन और आपके बैठने की पोजीशन होनी चाहिए परफेक्ट। आप एकदम से ऐसा सट के या एकदम से इतना दूर, ठीक है, हाथ को बिल्कुल इतना तन्ना के या फिर हाथ को इतना क्लोज, ठीक है, आप ऐसा पकड़ेंगे तो आपका बैलेंस भाई कभी नहीं बनेगा, चाहे आप एक दिन आओ चाहे एक महीने आ जाओ। आपका करना क्या है, परफेक्ट मिडिल में बैठना है अच्छे से कंफर्टेबली यहाँ पर, और हाथ को अपना बहुत ज़्यादा ऐसा तान के भी नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसा ढीला भी नहीं, नॉर्मल, जैसा कि मैंने पकड़ा है नॉर्मल आप पकड़ेंगे। रेस को बिल्कुल एकदम से इतना ज़्यादा लेके करने की कोशिश ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल यहाँ पर करेंगे, और आप अपने इस ब्रेक को कमांड पकड़े रहेंगे, मतलब पकड़ के ऐसे गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन आपको जब ज़रूरत समझ में आए, जैसा कि देखो अब मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं देखूँगा कि यहाँ पर गड्ढे वगैरह आने वाले, तो मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया, अपनी गाड़ी को यहाँ लाया, फिर थोड़ा सा चलाया, फिर मैं अपनी गाड़ी को यहाँ ले आया। अच्छा, जैसे ये रेत रहती हैं आप देखेंगे यहाँ पे आपको थोड़ी सी रेत दिख जाएंगी, तो इनसे दूर रहना है, क्योंकि अगर रेत पे गाड़ी गई तो गाड़ी भाई ऑफ रोड हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम में उस कंडीशन में आप इस तरफ से चलाएं, जब आपको नीट एंड क्लीन रोड दिखे तब आ जाके आप यहाँ पर इस तरीके से गाड़ी को चला के अपना बैलेंस बनाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।